चलो तो इसमें क्या है, आज जो हम कर रहे हैं पोयम नंबर 60 अद्भुतम युद्धम रामायण के अंदर राम भगवान सीता माता और लक्ष्मण, इसकी पूरी स्टोरी कहानी बताई गई है। इसमें राम भगवान और सीता माता जंगल में जाते हैं। जंगल में जाने के बाद जब रावण उसको सीता माता को लेके जाते हैं लंका, तो उसके पास हवाई जहाज के थ्रू जब वो जा रहे होते हैं तो बीच में पक्षियों का राजा जटायु उसको रोकता है। वैसे पक्षियों का राजा जटायु इतना पावरफुल नहीं है, वो बूढ़ा है, उसके पास पाँख है, चांच है और नाखून है, बस यही उसके आयुध है, शस्त्र है। और रावण है जो बहुत ही शक्तिशाली, ताकतवर, बुद्धिशाली, विद्वान है, जो शंकर भगवान को भी हिमालय के साथ उठाने की ताकत रखता है, जब भी चाहे जो भी हथियार ला सकता है। तो रावण कहीं ना कहीं एक पहाड़ जैसा है, जो हाथी जितना बड़ा पहाड़ है, और हमारा वृद्ध जटायु एक छोटी सी चींटी है, पर जटायु के पास आत्मविश्वास नाम की ताकत है। यहाँ पर एक छोटी सी चींटी यानी कि गिद्ध यानी कि पक्षीराज जटायु है, तो एक सामने राक्षस जो है उसका राजा रावण है। उन दोनों का जो युद्ध है उसको 16 चैप्टर में अद्भुतम युद्ध के अंदर बताया गया है। ऋषि दोषी और मैं महेंद्र जोशी कोशिश करते हैं कि आपको ये समझा सके। पहला श्लोक बताया गया है, ततः पर्वत शृंगाभः तीक्ष्ण तुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान् व्याजहारं शुभं गिरामः। ये श्लोक है, पहला श्लोक है, उसको हम ट्रांसलेशन करेंगे और आपको थोड़े एक्शन बताएंगे जिसको आपको थोड़ा लंबे समय तक ये बात याद रहे। इसका ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार से होता है, पक्षी पर्वतोनी शिखरनी शोभावाड़ो धारदार चांचवाड़ो वनस्पति पर रहनारो अने शोभावाड़ो पक्षियों मा उत्तम गरुड़ जटायु शुभ कल्याणकारी वाणी बोलियो। यत्कृत्वा न भवेद धर्मो न कीर्ति न यशो ध्रुवम शरीरस्य च भवेत खेदः कस्ततः कर्म समाचारेत। इसका ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार से हो रहा है, जे करियाथी धर्म न खाय कीर्ति अने यश निश्चित रूपे न खाय शरीर ने पण दुख खाय एवू कार्य कौन करे। ओके, तीसरा जो है श्लोक उसके अंदर बताया गया है, निवर्तयः गति नीचा परदारा भी अर्षतान न तत समाचरेत भीरु यत परोस्यः भी गरहयेत। इसके अंदर जो बताना चाहता है उसका कुछ ट्रांसलेशन इस प्रकार से है, वो है, पार्की स्त्री ने स्पर्श करवाती थनारी नीची गति ने तू अटकी जा रोकी जा जेनी अन्य पुरुषो निंदा करे छे ते धैर्यशील व्यक्तिये न आचरवी जोइए। फोर्थ वाला है वो है, वृद्धोहम मतलब मैं वृद्ध हूँ, त्वम युवा तुम जुवान हो, धनवी मतलब धनुष वाला है, सरथी मतलब चैरियटर मतलब सारथी वाला है, कवची मतलब कवच वाला, शरी मतलब धनुष बाण वाला है, न चाप्यादाय कुशली वैदेही मे गमिष्यसी। उसमें बताना चाहता है कि हूँ वृद्ध छु अने तू युवान छे, धनुष वालो रथ वालो कवच वालो अने बाण वालो छे, वैदेही ने मारी पासे थी हेम के नहीं ले जे सके। अब जो आ रहा है वो है श्लोक नंबर 5 जिसके अंदर कहा जाता है, इत्युक्तम क्रोध ताम्रक्ष तत् कांचन कुंडलः, कांचन मतलब सोनो अने कुंडल मतलब कान में पहने थे, राक्षस केंद्रो बृदावः पत गेंद्रम, पत मतलब पर्वत के ऊपर रहने वाला जो पक्षी होता है जैसे गिद्ध को कहते हैं पत गेंद्र, अमर्षणम। इसमें कहा जाता है ट्रांसलेशन इस प्रकार से, आम कहवाएला क्रोधी कारणे तांबा जेवी लाल आंख वाड़ो तपेला सोना जेवा कुंडल वाड़ो क्रोधी राक्षस राज रावण
पक्षी राज जटायु तरफ दौड़ियो। सब सिक्स वाला है, उसके अंदर कहा जाता है तत् ब्रद्वान अद्भुतम युद्धः गृध राक्षस योस्तदाः स पक्षियोद माल्यवताः महापर्वत योनि ही। यहाँ पर ये हमारे एक गीत रावण है और मैं एक गीत की भूमिका कर रहा हूँ। मेरे पास उतनी ताकत नहीं है, इसके पास बहुत सारी ताकत है, पर इसके पास जो ताकत है वो आत्मविश्वास की ताकत है और मेरे पास हथियारों की ताकत है, सॉरी मेरे पास आत्मविश्वास की ताकत है गिद्ध के पास और इसके पास आयुधों की ताकत है। तो इसके कारण से इसको दोनों को माल्यवान मतलब पर्वत के हिसाब से कंपैरिजन इस श्लोक में बताया है। कुछ ट्रांसलेशन इस प्रकार से हो रहा है पाखो साथे महान बे माल्यवान पर्वत अद्भुत युद्ध थयो।